इन तस्वीरों को देखकर हर किसी को यही लगेगा कि कुछ बदमाशों ने कार सवार लोगों पर हमला कर दिया है, लेकिन मामला इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल हमला आम लोगों पर नहीं बल्कि गुजरात के सूरत में सक्रिय चिखली घर गैंग के बदमाशों पर किया गया है, ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और जो लोग हाथ में डंडे लेकर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो सूरत क्राइम ब्रांच के जवान हैं, जिन्हें इस गैंग के बदमाशों के आने की खबर लगी थी। लिहाजा हैरत अंगेज तरीके से कार्रवाई की गई, जिसके तहत पहले बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, जब बदमाश नहीं रुके तो कुछ इस तरह लाठी डंडों से हमला किया गया। एक बार तो बदमाश कार को बैक करके फिर तेज रफ्तार से आगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सड़क पर सामने क्रेन खड़े होने की वजह से उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिला और क्राइम ब्रांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। क्राइम ब्रांच को आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। बताते हैं कि चिखली घर गैंग के बदमाश सूरत पुलिस के लिए काफी वक्त से सिरदर्द बने हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।